नमस्कार, मैं हुसैन जगमार सिंह और आप देख रहे हैं पीडी न्यूज रवि जुवा की दास्तां। कटिहार जिला अंतर्गत मनिहारी से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। CISF के जवान जितेंद्र कुमार पासवान का एक सड़क हादसे में निधन हो गया। रिपोर्ट के अनुसार रात में एक बर्थडे पार्टी में भोज खाने के बाद वे अपनी अपाचे बाइक से घर लौट रहे थे। इस दौरान उसकी बाइक एक सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे जा टकराई, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोट आई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जितेंद्र कुमार पासवान की उम्र 37 वर्ष थी और वे CISF में मुंबई में पोस्टेड थे। उनके पिता दशरथ पासवान और माता सुमित्रा देवी हैं। उनका घर मनिहारी के रेलवे कॉलोनी के वार्ड संख्या 5 में स्थित है। जितेंद्र कुमार अपने पीछे पत्नी सोनम कुमारी, 3 वर्षीय बेटी जैसी कुमारी और 5 महीना का बेटा ज्ञान कुमार को छोड़ गए हैं। उनकी शादी वर्ष 2011 में हुई थी। यह हादसा बेहद दुखद और त्रासद है। सुबह 3 बजे के करीब मनिहारी थाना के ड्राइवर ने देखा कि जितेंद्र कुमार पासवान अपनी बाइक के साथ सड़क पर औंधे मुंह ट्रक से टकरा कर गिरे हुए थे। इस स्थिति को देखते हुए स्थानीय युवक ने तुरंत उन्हें मनिहारी अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों का मानना है कि सड़क किनारे ट्रकों के गलत तरीके से पार्क करने के कारण यह दुर्घटना हुई है, जिसमें जितेंद्र कुमार पासवान को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन को कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ट्रकों की अनियमित पार्किंग पर नियंत्रण नहीं हुआ तो ऐसी त्रासदी लगातार होती रहेगी। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर इंस्पेक्टर रामचंद्र मंडल, थानाध्यक्ष पंकज आनंद, अपर थानाध्यक्ष अरुण राम, गौतम कुमार, ASI राजकुमार और संतोष कुमार अवस्थित थे। प्रशासन से अपेक्षा की जा रही है कि वे इस घटना की गहन जांच करेंगे और भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। यह दुर्घटना उसके परिवार और समुदाय के लिए एक बड़ी क्षति है। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए खबरों के अंत तक बने रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद। उसी दरमियान जो है कई ट्रक में जो है साइकिल चली गई, जिसके कारण जो है उनकी मौके पर सर में काफ़ी बड़ी चोट आई थी, क्योंकि हम लोग को जो है जानकारी नहीं था। रात में जो है 1 बजे के आसपास की घटना थी, तो ट्रक जो है सड़क पर क्यों खड़े हुए, कहाँ पर? मैं प्रशासन से आग्रह करूँगा, जितने भी ट्रक जो है रोड के किनारे लगे रहते हैं सर, उनको जो है ना उस ट्रक को जो है वहाँ से साइड करवाया जाए। DSP साहब से, DM साहब से, SP साहब के विशेष करके जो कुमार सर से आग्रह करेंगे, सर जो भी ट्रक रोड पर लगी रहती है सर, आए दिन इस प्रकार की घटनाएँ होती है जो मन को मरमाहत करती है। पर कोई ना कोई माँ अपना बेटा को देता है, कोई परिवार का सदस्य को देता है, वो चिंता का विषय है। क्योंकि यहाँ CISF के जवान थे, ये तो देश का नुकसान माना जाएगा, भारी नुकसान है देश का, क्योंकि वो माँ को क्या गुजर रही है। तो ये किन की ट्रक थी? ट्रक का तो जो है अभी नाम हमको नहीं पता चल रहा है, क्योंकि जो है अभी हम लोग डायरेक्ट जैसे घटना जानकारी हुआ तो हॉस्पिटल की ओर लेकर के आए कि भाई सबसे पहले जो है फर्स्ट प्रायोरिटी यही होता है कि आप अपने जो गंभीर रूप से घायल आदमी है उसको आप इलाज करवाइए, लेकिन ट्रक के बाद में पता चल ही जाएगा। लेकिन ये दुखद है, ट्रक वाले जितने भी मालिक हैं उनसे भी आग्रह करूँगा, ड्राइवर से भी आग्रह करूँगा कि आप लोग रोड पर ट्रक मत लगाइए, हो सकता है आप ही का परिवार का सदस्य हो, तो इस प्रकार जो है किसी का जो है मृत्यु होगा तो चिंता का बात। इसमें जो है निश्चित रूप से थाना प्रभारी और DSP साहब को एक्शन लेना चाहिए और जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए जितने भी ट्रक रोड पर लगते हैं उसको हटवाना चाहिए। आए दिन इस प्रकार की घटना लगा, क्या घटना हुई कल? क्या नाम था? जितेंद्र कुमार पासवान, CISF। आप पोस्टेड थे? मुंबई एयरपोर्ट। कितने बच्चे हैं आपके? 9 बच्चे, एक लड़की और एक लड़का। क्या क्या नाम कहते हैं? जैसी और दिया। उम्र कितना?
साल की है। आपका क्या नाम है? आपका नाम बाबा।